ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। मैं तो सोच रहा हूँ दुनिया के सारे स्कूल और कॉलेज बम से उड़ा दूँ। साला 4-5 महीने तक तो छुट्टी मिलेगी उस कैदखाने से। भाई स्कूल के साथ क्या मैटर है आपका? देख, स्कूल से ऐसी कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, पर्सनल जाति खानदानी दुश्मनी है मेरे स्कूल से। जंग है जंग, मेरी जंग। Come to the dark side. भाई ऐसा क्या किया स्कूल ने जो आप इतने सटक गए है? तुझे पता है इतने साल ये स्कूल टीचर हमें गलत शिक्षा देते थे। अगर इन्होंने हमें सही टाइम पे सही शिक्षा दी होती तो आज हम लाखों करोड़ों कमाते। वो कैसे भाई? ये पाइथागोरस, मुगल बादशाह, न्यूटन, फलाना डिमका सिखाने की बजाय बिटकॉइन के बारे में सिखाते तो इनके बाप का क्या जाता बे? वो फॉरेन वाले बिटकॉइन खरीद कर अमीर हो गए और हम यहाँ सीखते रहे न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। या न्यूटन चा ताईचा झांझा वाजवल्या। ये न्यूटन अगर मुझे कहीं पे भी मिल गया ना, 1000 फीट जमीन में गाड़ूंगा और पूछूंगा दिखा कहा है ग्रेविटी, दिखा। साला जो चीज दिखाई ही नहीं देती उसे 200 सालों से मासूम बच्चे मजदूरों की तरह सीखते आ रहे, तेरी वजह से। कौन सी अमावस को पैदा हुआ था पता नहीं। और अगर कोई स्कूल टीचर ये वीडियो देख रहा है तो मुझे एक बात बताओ, ये बिटकॉइन के बारे में क्यों नहीं बताया बे? वो एग्जाम में ऐसे लिखने को बोला जाता है। मुझे एक बात बता, तुझे अगर गाजर और मूली पे ऐसे लिखने को कहा जाए तो तू क्या लिखेगा? यही ना कि भाई ये एक रूट वेजिटेबल है, खाने के लिए अच्छा होता है, हमें विटामिन ए देते हैं, बराबर। तो अगर ये टॉपिक में 20-25 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो फिर ये 200 वर्ड्स की लिमिट क्यों रखते हैं हरामखोर? भाई जो चीज मैं 20-25 वर्ड्स में आराम से एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसे 200 वर्ड्स में क्या लिखूं? गाजर मूली का जुड़वा भाई है, बस ये धूप में पड़े पड़े लाल हो गया। गाजर पे बाल है, मूली टकली है, शायद इनका सही इस्तेमाल लेस्बियंस भी। भाई भाई। देखा तूने, ये एक्स्ट्रा कचरा ही लिखना पड़ेगा ना 200 वर्ड्स में, और क्या लिखूं भाई? ये 2 घंटे के एग्जाम में 1 घंटा सिर्फ 10 मार्क्स का ऐसे लिखने में चला जाता है जिसमें 5 भी नहीं आते। हाँ टीचर लोग, एक बात तो बताओ, ये अपना बिटकॉइन के बारे में क्यों नहीं बताया बे? ये टीचर लोग 1-2 सब्जेक्ट्स क्या सिखा लेते, अपने आप को आइंस्टाइन समझने लगते। पता है 10वीं में मुझे एक मैथ्स टीचर थी, सिंगाड़ा मैडम, माँ कसम उससे ज्यादा अजीब प्राणी मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। वो क्लास में आते ही ब्लैक बोर्ड पे प्रॉब्लम देती है, फिर बोलती है फाइंड एक्स, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऐसा महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन हमने उनसे पूछा कि मैडम। हाँ बेटे। ये प्रॉब्लम कौन, आपका पिताजी सिखाएगा क्या? पता नहीं, आप लोगों ने कोचिंग क्लास लगाया होगा ना। तो आपको क्या क्लास में बच्चों के बीच में रैंप वॉक करने का पगार मिलता है क्या? हाँ गरीबों की मिस इंडिया, अगर सब कोचिंग में ही सीख जाते तो हम स्कूल में 3 पत्ती खेलने आए क्या? तो चलो मान लेते वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर भी लिया, तो बोलेगी आंसर गलत है, मतलब क्लास के 70 स्टूडेंट का आंसर रॉन्ग है और बस मिस सिंगाड़ा का आंसर राइट है। फिर हमको बोलेंगी तुम सब बच्चे बिगड़ गए हो, सब फेल हो जाओगे। अबे अगर 70 बच्चों का आंसर रॉन्ग है जिन्हें आप पढ़ा रही है तो फेलियर स्टूडेंट नहीं, फेलियर आप हो जो 1 भी स्टूडेंट को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं पाई। तुझे पता है असल में उस प्रॉब्लम के इक्वेशन में हम 70 स्टूडेंट वेरिएबल्स है और एक्स कांस्टेंट है, और वो एक्स कौन है पता है? ये सिंगाड़ा मैडम। प्रॉब्लम सॉल्व, बड़ी इंटेलिजेंट बन रही थी ये टीचर। मुझे एक बात तो बताओ, ये बिटकॉइन के बारे में क्यों नहीं बताया बे? भाई कंट्रोल, भाई कंट्रोल। जब भी कोई बोरिंग लेक्चर चल रहा होता है हम पीछे बैठे हवा में कागज के प्लेन उड़ाते। एक बार हमारे देशपांडे सर ने हमें देख लिया। हे यू, खड़े हो जाओ, ये प्लेन क्यों फेंका तूने? सर वो चंदू ने बोला था। मुझे पता है ये रीजन गलत है, लेकिन इसके बाद टीचर का दुनिया का सबसे अजीब रिप्लाई आता है। अगर चंदू तुझे बिल्डिंग से कूदने को बोले तो कूद जाएगा क्या? क्या मतलब क्या? अबे तूने क्लास में पेपर फेंकना और छत से कूदने की लाइन क्रॉस कर दी बे। चलो तुम्हारी क्या गलती है, दिमाग होता तो बिटकॉइन के बारे में पढ़ाता। ये चीज तो 100% सबके साथ हुई होगी। सर सर मुझे सुसु लगाए। शट अप, ब्रेक टाइम में जाना। अबे ये सुसु में क्या अलार्म फिट करके रखा है क्या जो सिर्फ ब्रेक टाइम में बजेगा? कोई इंसान अपनी सुसु पे कंट्रोल कैसे कर सकता है भाई? आप लोग लेक्चर खत्म होने के बाद जाते होगे टॉयलेट, हम बच्चे लोगों ने क्या पाप किया है बे? छोटे हैं तो हमें क्या सुसु नहीं लगता क्या? और एक बात बताओ सर, अगर स्कूल का हर बच्चा 20 मिनट के ब्रेक में टॉयलेट जाएगा वो टॉयलेट के बाहर थिएटर से भी लंबी लाइन नहीं लगेगी, और खाना कब खाएंगे हम? साला इनको टीचर की डिग्री किसने दिया बे? नॉनसेंस। जिसे पता ही नहीं क्या होता है बिटकॉइन वो क्या सिखाएगा हमें साइन और कोसाइन? ये टीचर लोगों को हर क्वेश्चन का सिस्टमैटिक डिटेल आंसर चाहिए होता है। दुनिया के हर क्लास में एक साइलेंसर जैसा बच्चा होता ही है, दिन भर घर में रट्टा मारते है और स्कूल में टीचर लोगों के तलवे चाटता है, और ऐसे ही स्टूडेंट पसंद आते हैं टीचर लोगों को। फिर वहाँ रैंचो कितना भी क्यों ना चिल्लाए, पैंट की जिप में भी होती है मशीन, 1 सेकंड में अप, 1 सेकंड में डाउन, अप डाउन अप डाउन अप। भाई भाई व्यूज के लिए इतना एंग्री होने की भी जरूरत नहीं है। अबे एंग्री की औलाद, यहाँ नुन्नू अटक गया मेरा, कुछ कर। भाई कैंची लाऊं क्या? अगर आप भी जीवन में ऐसे स्कूल में गए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए, और ये वीडियो को हर टीचर के साथ शेयर करो।
और उनसे पूछो कि ये बिटकॉइन के बारे में क्यों नहीं सिखाया। I have you now.